नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। खास पेशकश की शुरुआत करेंगे। बीते दिनों लखनऊ से खबर आई थी जहां बेखौफ बदमाशों ने अजीत सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे। दरअसल वर्चस्व को लेकर अजीत सिंह की हत्या की गई थी। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। अजीत सिंह एक ऐसा नाम था जिसकी तूती इलाके में बोलती थी। अजीत सिंह पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे और खास बात तो ये थी कि वो बाहुबली मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी माना जाता था। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी अजीत सिंह घर से निकलता था तो 4 गाड़ियों के काफिले के साथ अपनी बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो गाड़ी में निकलता था। लेकिन उस दिन जब उसकी हत्या की गई, जब वह अपनी गाड़ी से बाहर खड़ा हुआ था और बदमाशों को मौका मिल गया, मौका मिलते ही बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और उसको मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस को इसकी सूचना मिली जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार अजीत सिंह की हत्या क्यों हुई। मुख्तार अंसारी की शह मिलने के चलते मऊ का पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह पूर्वांचल के एक हिस्से में मजबूत होता जा रहा था। वहीं पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या के मामले में अजीत सिंह की गवाही भी होनी थी। इस हत्या के मामले में कुंटू सिंह जेल में बंद है। अजीत की गवाही से कुंटू की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा था। आप मेरे बगल में कुंटू की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर ये वो शख्स है जो जेल में बंद है और अजीत सिंह अगर गवाही दे देता तो कुंटू सिंह की मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल तय माना जा रहा था। लिहाजा कुंटू और अखंड ने मिलकर अजीत को रस्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसके लिए चंदौली से शार्प शूटर संदीप सिंह उर्फ बाबा से संपर्क साधा गया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार बदमाशों ने इस बड़ी वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया। संदीप सिंह ने वाराणसी से 1,00,000 के नामी शार्प शूटर कन्हैया विश्वकर्मा और गिरधारी उर्फ डॉक्टर से संपर्क साधा और कहा कि 2 शार्प शूटर का इंतजाम किया जाए। गिरधारी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जय वीरू के नाम से कुख्यात सुनील भाटी गैंग के राजेश तोमर उर्फ जय और मुस्तफा उर्फ वीरू को वारदात के लिए तैयार किया। अजीत की हत्या के लिए 6 जनवरी का दिन तय किया गया। शाम से ही 3 बाइक पर सवार होकर शार्प शूटर अजीत की तलाश के लिए निकल पड़े। एक बाइक पर गिरधारी और रवि यादव, दूसरी बाइक पर संदीप बाबा और अंकुर, एक बाइक पर जय और एक बाइक पर वीरू सवार थे, जिसके बाद लगातार कोशिश की गई अजीत को ढूंढने की। और वहीं देर शाम करीब 8:30 बजे खबर आती है कि अजीत सिंह हुक्के का फ्लेवर लेने के लिए घर से निकला है। साथ ही साथ 8:30 बजे अजीत अपने साथी मोहर के साथ विभूति खंड इलाके के कठौता चौराहे पर अपनी ब्लैक बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो से हुक्के का फ्लेवर लेने उतरा। हुक्के का फ्लेवर लेकर अजीत अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी हर तरफ से घिरकर शूटर्स ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अजीत मौके पर ही ढेर हो गया। वहीं किसी अपने की गोली से राजेश उर्फ जय गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हत्याकांड के बाद इलाके में हड़कंप मच गया क्योंकि करीब 35 राउंड यहां पर फायरिंग की गई थी। अजीत पर गोलियां बरसाकर गिरधारी और रवि यादव एक तरफ निकल गए तो जय वीरू और अंकुर संदीप बाइक से कमता बस अड्डे पहुंचे। बस अड्डे पर बाइक खड़ी की और वहां पर पहले से ही अपनी लाल डस्टर कार में मौजूद बंधन के साथ बैठकर फरार हो गए। गोमती नगर के अलकनंदा अपार्टमेंट के पास घायल जय का शुरुआती इलाज करवाया गया, जिसके बाद संदीप रोडवेज बस में बैठकर अंबेडकर नगर चला गया। घायल जय का इलाज कराने के लिए अंकुर और वीरू सुल्तानपुर चले गए। सुल्तानपुर में शुरुआती इलाज कराकर अलीगढ़ के रास्ते नोएडा निकले। उधर राजधानी में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बाद लखनऊ पुलिस ने प्रदेश में ताबड़तोड़ दबिश शुरू कर दी। पुलिस की सरगर्मी से घबराया गिरधारी उर्फ डॉक्टर नई दिल्ली की तरफ निकला, जहां पर दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। वारदात की जगह कमता बस अड्डे और सुल्तानपुर के अस्पताल में मिले शूटर्स के सीसीटीवी फुटेज लखनऊ पुलिस ने जुर्म की दुनिया के दिग्गजों को दिखाए तो जय और वीरू संदीप सिंह बाबा की शिनाख्त की गई, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और अंबेडकर नगर में छिपे संदीप सिंह बाबा को गिरफ्तार किया गया। संदीप सिंह की निशानदेही पर एक पिस्टल, 5 कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस की पूछताछ में संदीप ने बताया कि कुंटू और अखंड के कहने पर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अब पुलिस गिरधारी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। वहीं जय वीरू, रवि यादव, अंकुर की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये खबर आपको हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।